वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, माय चैनल तृप्ति कुमारी ऑफिशियल। तो आज मैं जा रही हूँ, आज हम लोग जा रहे हैं गणपति दर्शन करने के लिए लाल बाग। तो हम लोग ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन से जाएंगे गणपति दर्शन करने के लिए। तो आज हम लोग का कोई प्लान नहीं था जाने के लिए, अचानक प्लान बना है। इनका क्या क्लास कैंसिल हो गया है क्योंकि सब कोई जा रहा है घूमने के लिए, गणपति दर्शन करने के लिए, इसलिए सब क्लास कैंसिल हो गया। इसलिए ये भी बोल रहे हैं कि चलो हम लोग भी घूम कर आते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं गणपति दर्शन करने के लिए, मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं ऑटो रिक्शा से। यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है मेट्रो स्टेशन, तो चलते हैं। अब हम लोग आ भी गए हैं मेट्रो स्टेशन। गाइस, अब हम लोग पहुँच चुके हैं रोल परेल स्टेशन पहुँच चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से ऑटो रिक्शा पकड़ेंगे और लालबाग में जाएंगे। गणपति वहाँ का है, वहाँ देखने जा रहे हैं। यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे और चलते हैं। देखिए, और एक बात आपको बताऊं, देखिए मेरे हस्बैंड है ना, वो एक छाता लेकर आए हैं, ठीक है, बहुत लंबा छाता। तो हम हंस रहे थे, बोल रहे थे कि अब छाता लेकर क्यों आए हैं। आप लोग तो जानते ही हैं मुंबई का बारिश बिन मौसम बरसात होते हैं यहाँ पे, इसलिए ये छाता लेकर आए हैं। हम बोले कि आप छाता क्यों लेकर आए हैं, तो बोलते हैं कि यहाँ का बारिश का तो कोई ठिकाना नहीं है, बिन मौसम बारिश हो जाते हैं, तो ये छाता लेकर आए हैं। आपको दिखा रहे हैं ये कैसे एक नया स्टाइल में छाता लटका हुआ है, हमको हंसी आ रहा था। तो आपको दिखाते हैं इसका नया स्टाइल, नया लुक। जाओ। तो गाइस, आप लोग को बोले थे कि यहाँ से हम लोग ऑटो रिक्शा से जाएंगे, पर ऑटो रिक्शा का जाना कैंसिल हो गया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए हैं। आने के बाद पता चला कि ऑटो रिक्शा हम लोग पकड़े थे, तो ऑटो रिक्शा वाला बोल रहे हैं कि यहाँ से 3 घंटा लग जाएंगे, इतना ट्रैफिक है, सबसे अच्छा है कि आप लोग पैदल चल जाइए। तो हम लोग पैदल चल रहे हैं, तो देखते हैं, पैदल तो चल रहे हैं, अभी 2 बज रहे हैं और पैदल चलते चलते देखते हैं कितना मिनट लग जाता है लालबाग राजा के यहाँ जाने में। तो हम लोग जा रहे हैं पैदल, और मेरी बेटी थोड़ा थक गई है, वो भी पैदल चल रही थी, अब उनके पापा के गोद में है। तो हम लोग जा रहे हैं और आप लोग को ट्रैफिक भी दिखाते हैं। यहाँ के बहुत सारे लोग पैदल जा रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, इसलिए जाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएंगे। और यहाँ के किसी लोकल आदमी से पूछा था कि हम लोग लाइन लगेंगे तो कितना घंटा लगेगा लाल बाग राजा का दर्शन करने में। तो वहाँ का कुछ लोग बोल रहे थे कि आप जाइएगा तो लाइन लगेंगे तो 10-11 बजे आप लोग दर्शन कर पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 7-8 घंटा लग जाएंगे। तो देखते हैं अब क्या करते हैं वहाँ पे जा कर के। अब हम लोग पहुँच चुके हैं लाल बाग राजा के गेट के, यहाँ मेन गेट है यहाँ, और हम लोग यहाँ से प्रवेश करेंगे भीतर। तो आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आवाज़ भी सुन सकते हैं, माइक पे आवाज़ पे बोल रहे हैं, यहाँ मेन गेट है और अब हम लोग जा रहे हैं अपने मौल्यवान दोस्तों, और सब यहाँ पे आकर फोटोशूट करा रहे हैं, अपन वीडियो बना रहे हैं। और देखिए मेरी बेटी हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, बोलो गणपति बप्पा, बढ़िया, बोलो हाथ जोड़ो। अब हम लोग अंदर चलते हैं और आप लोग देखिए यहाँ पे काफी भीड़ है, आप देख सकते हैं यहाँ का भीड़, काफी भीड़ है यहाँ पर। मुंबई की सारी भीड़ यहीं पर लगता है इकट्ठा हो गई है लाल बाग के राजा को देखने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पर, अगर आज हम नंबर लगाते हैं लगभग 2:30 बज रहा है घड़ी में, अभी लगभग 2:30 बज रहे हैं, और नंबर अगर हम लगाते हैं तो लगभग मेरे ख्याल से रात के 8 से 9 बज जाएंगे, 10 भी बज सकता है, कोई ठीक नहीं है, भीड़ बहुत है। आगे दिखाते हैं हम आपको कितनी भीड़ है, लाइन में लगने के बाद पता चलेगा। देखिए मेरी बेटी को इधर से उधर जाते हैं, उनको डैडा तो चिल्लाने लगती है, डैडा 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 करती रहती है, डाडा डाडा करती है।
यहाँ पे दर्शन करने से पहले आपको टीका लगाया जाता है, आप देख सकते हैं। ओ भैया, अरे कहाँ पे भेजेंगे यार, मेरे को मत निकालो उसमें। मंदिर से जाने से पहले, मंदिर के भीतर जाने से पहले टीका कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे। तो गाइज हम लोगों ने टीका लगाया है, देख सकते हैं, घुसने से पहले, लालबाग चौराहा से पहले, दर्शन करने से पहले कई लोग हैं जो आपके रास्ते में टीका ऐसे लगाएंगे, देख लीजिए। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं अभी लाइन में लगने के लिए, लालबाग चौराहा जाने के लिए। बहुत बड़ी लाइन है, लेकिन लाइन कहाँ से लगाना है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें अभी कम से कम 10-15 मिनट चलना पड़ेगा। कम से कम 3 किलोमीटर की लाइन है यहाँ पर, देख सकते हैं। कितने बजे हम लोग पहुँचते हैं मेन जगह पर, गणपति के लालबाग के राजा के यहाँ। अभी तो हम लोग लाइन लग गए हैं, देखते हैं। Yeah.
लगा दिया। गाइस अब हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए हैं और यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ बैठने भी नहीं दे रहे हैं सब। पुलिस वाली सब यहाँ से बोल रहे हैं कि उधर जाइए, यहाँ पर मत रुकिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं क्योंकि कमर में पूरा दर्द हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर आराम करने के लिए बैठे हैं, लेकिन यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं। दो बार आ चुके हैं तो हम बोले कि मेरी बच्ची थोड़ी छोटी है, वो थक गई है इसलिए बैठने दिया है। तो हम लोग अब बाहर जा रहे हैं, देखिए यहाँ का भीड़। तो हम लोग जा रहे हैं, अभी मोबाइल देखेंगे, कैमरा में वीडियो बना रहे थे, हम लोग को कैमरा छीन लेंगे, इसलिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। आगे का वीडियो वहाँ उधर जाके बनाते हैं। एक पैकेट 40 का है, 5 पैकेट 200 का है, जो पैकेट जाए तो आगे मिलेगा। हाँ, दो पैकेट, कितना पैकेट? 200 का है, 200 का। दो पैकेट 5 पैकेट, 10 लड्डू और एक डब्बा फ्री है इसमें। तो हम लोग प्रसाद ले लिए हैं यहाँ का, दूसरा में पूरा मतलब 4 पैकेट एक डब्बा मिल रहा है और उधर भी है, आप लोग जैसे ले सकते हैं। ये हम लोग ले लिए हैं। कैसा है? और ये सब वही है क्या? 100 रुपए डब्बा, 100 रुपए है। अच्छा, ये सब सब में एक ही है नहीं? तो गाइस हम लोग दर्शन करके बाहर निकल गए हैं और प्रसादी भी ले लिए हैं, यहाँ से पेड़ा भी ले लिए हैं और लड्डू वगैरह भी ले लिए हैं इस बैग में। और अब हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं अब कहाँ जाते हैं। और वहाँ से जो हम लोग आ रहे थे ना, तो आने के टाइम में सब कोई बोल रहे थे कि आप लोग अभी लाइन लगेंगे तो 10 बज जाएंगे। तो नहीं, 10 नहीं तो बज रहा है अभी, तो शायद कितना बहुत टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है देखिए। तो सब कोई मन में डर दिखा दिया है कि हाँ इतना टाइम लगेगा, इतना हमें 5 बज रहा है, 3 बजे लगे हैं, दो घंटा लग गया है हम लोग को लाइन में लगे हुए। 2 घंटा में हम लोग मेन जगह पहुँच गए हैं और वहाँ अच्छे से दर्शन हो गए हैं। और सब कोई बोल रहे थे कि हाँ इतना टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग 2 घंटे में पूरा दर्शन करके आ गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, देखिए यहाँ एग्जिट गेट है, यहाँ से हम लोग बाहर जा रहे हैं। अब देखिए मेरे हस्बैंड जी रक्षा सूत्र बंधवा रहे हैं। अब त्रिशा भी बांध लिए हैं, अब मैं बांधूंगी। मेरा भी हो गया है, मैं भी बांध रही हूँ। मैं भी बांध लिए हैं। गाइस हम लोग यहाँ पे बैठे हैं थोड़ी देर और प्रसाद खा रहे हैं। प्रसाद बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जैसे नाम है प्रसाद, वैसे प्रसाद के जैसे ही टेस्टी है। तो गाइस पता है हम लोग जब गांव में थे ना, उस टाइम हम लोग लाइव देखते थे गणपति का, यहाँ का जो क्या नाम है, यहाँ का भूल गए हैं, लालबाग राजा जी का जो लाइव देखते थे ना, तो हमको मन में लगता था कि हम यहाँ पे आएंगे, कब जाएंगे। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ मुंबई आएंगे और आकर
यहाँ गणपति का दर्शन करेंगे तो मेरा सपना भी पूरा हो गया। मैंने कभी सपना भी नहीं देखे थे कि यहाँ पे आएंगे, पर हम लोग सोचते थे कि हम तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन आ गए हैं और मेरे हस्बैंड के चलते यहाँ पे आए हैं और दर्शन किए हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि यहाँ पे आकर मुझे दर्शन हो गया है। और यहाँ का बहुत ज़्यादा मतलब फेमस गणपति का पूजा होता है, लाल बाग राजा जी का दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग प्रसादी भी खा रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं कुछ कुछ खाते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी है क्योंकि हम लोग सवेरे 11 बजे खाकर आए थे घर से और अभी कुछ भी नहीं खाए हैं, इसलिए मेरी बेटी भी प्रसाद खा रही, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। पता है मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मैं कुछ भी बोलने जाती हूँ ना तो वो हमेशा टोक देते हैं, बोलते हैं टीलू टीलू ये मत बोलो वो मत बोलो, ऐसे ही बोलते हैं पता है। और मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा कि आप चुप रहिए ना, उनको बोलने दीजिए ना, जो मेरे मन में आता है वही बोलते हैं, जैसा बनता है वैसे बनाते हैं। पर मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा प्लीज़, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लेकिन लाइक करना मत भूलिए गाइस। ये है लड्डू, देखिए यहाँ का लड्डू ऐसा है, इसका टेस्ट देखते हैं। ये भी बहुत टेस्ट है, देखिए ये भी मांग रही है। घी से बना हुआ है, लो अब हम लोग बड़ा पाव खा रहे हैं। बहुत तेज भूख लगी थी, अब हम लोग बड़ा पाव खा रहे हैं बहुत तेज भूख लगी थी, आधा खत्म हो गया उसके बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी और अब ये भी खाने के लिए उतावला हो रही थी। तो गाइस आप लोग भी आइए और मेरे साथ हाथ बटाइए, मतलब कि खाने के लिए कि मुंबई का सबसे फेमस है बड़ा पाव यहाँ पर, तो यहाँ पे लोग अगर कभी खाना खाने में देर हो जाए लेकिन बड़ा पाव खाने में कभी देरी नहीं करते, तो बड़ा पाव का आनंद लीजिए जब भी आप मुंबई आए। पता है हम लोग पहले थोड़ी देर पहले शायद शाहरुख खान आए थे यहाँ पे, सब कोई बोल रहे थे पर हम लोग नहीं दिखे हैं। मेरे मोबाइल में फ़ोन आ रहा है, हम फ़ोन से बात कर लेते हैं उसके बाद वीडियो बनाएंगे। दो घंटे ट्रैवल करने के बाद और 2-3 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद हम लोग काफ़ी थक चुके हैं, इसलिए यहाँ पर बस डिपो के ऊपर बस डिपो में बैठे हुए हैं। काफ़ी थक चुके हैं, पैर भी बहुत थक चुका है, पैर दर्द करने लगा है हम लोगों का, लेकिन कोई बात नहीं, काफ़ी दिनों बाद हम निकले हैं यहाँ से इसलिए। हाँ तो अभी हम लोग बड़ा पाव का आनंद ले चुके हैं, अभी आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं। गाइस अब हम लोग घर जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और पैर हिम्मत नहीं हो रहा है चलने का, इसलिए अब हम लोग घर जा रहे हैं और बहुत तेज़ भूख भी लगी है, तो चलते हैं देखते हैं कोई रेस्टोरेंट होगा यहाँ पे तो वहाँ पे जाकर खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। हिम्मत नहीं हो पा रहा है कि हम चल पाए, पूरा पैर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है पैर और पूरा ज़्यादा एकदम थक चुके हैं, अब अच्छा भी नहीं लग रहा है, अब घर जाकर सोना पड़ेगा। 11 बजे निकले हैं और अभी 6:30 बज रहा है तो हम लोग घर जा रहे हैं। अब कुछ खाने का मन कर रहा है, बड़ा पाव तो खाए हैं पर अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है यहाँ पे, तो चलते हैं रेस्टोरेंट में वहाँ पर कुछ खाएंगे। गाइस अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे YouTube चैनल तृप्ति कुमारी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।